पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर देखा था, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स देखेंगे। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि डायलेक्ट्रिक्स होता क्या है, फिर इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन की बात करेंगे, उसके बाद से पोलराइजेशन वेक्टर या पोलराइजेशन डेंसिटी की बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की भी बात करनी है, और अंत में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज हमें मिलने वाले हैं, और इस हिसाब से ये लेक्चर काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक ज़रूर देखें। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात यहाँ से शुरू की थी कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में क्लासिफिकेशन करते हैं हम सब्सटेंसेस का। सेमी कंडक्टर की तो बात ही निराली है, ये हमको लास्ट चैप्टर नंबर 14 में मिलने वाला है, इसलिए आज इसकी डिस्कशन की बात नहीं करेंगे। कंडक्टर की डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज इंसुलेटर, हिंदी नाम बड़े सुटेबल हैं, सुचालक, कुचालक, ओके, की बात करने वाले हैं। तो नाम ही है कुचालक है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर के पास नहीं होने देगा, यानी करंट पास नहीं करने देगा। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने के बाद एक और चीज़ है कि नो करंट का तो कंडीशन ठीक है, दो चीज़ों को हम लेकर के चलते हैं। एक इंसुलेटर में भी ऐसा सब्सटेंस होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको इम्पोज करते हैं तो चार्ज इंड्यूस्ड होता है और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को अपने थ्रू अलाउ करता है, ये स्पेशल सब्सटेंस जो चार्ज इंड्यूस्ड करे, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को अपने थ्रू अलाउ करे लेकिन करंट अलाउ नहीं करे, ये डायलेक्ट्रिक या हिंदी में पारावैद्युत कहलाता है। ओके, आज इसी की डिस्कशन है और इसी की बात करनी है। अच्छा, कुछ रिजेम्बलेंस इस तरह से ऐसे हो सकता है, रामायण की कहानी आपने सुनी होगी, उसमें अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई, बुराई राक्षसों की पार्टी, उसी राक्षसों की पार्टी में विभीषण भी एक ऐसे थे जिनको आप राक्षस के कैटेगरी में नहीं रख पाते। तो विभीषण का जो बिहेवियर था ठीक वैसा जैसे इंसुलेटर जस्ट अपोजिट कंडक्टर के है, लेकिन उसके बाद भी विभीषण टाइप का मटेरियल है ये, जो कुचालक होते हुए भी, इंसुलेटर होते हुए भी कुछ स्पेशल फीचर रखेगा अपने पास, अच्छे चालक वाला। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जब डिस्कशन में आते हैं तो डायलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे, जैसे एक तो सबसे पहला माइका है, वाटर है, ग्लास है, और भी बहुत सारे आप ले सकते हैं। ओके, तो सबके नाम जो लिखे हुए हैं एग्जाम्पल में वो आपको क्लियर हो रहे होंगे, तो डायलेक्ट्रिक्स जो है इंसुलेटर के ही नाम लिखे हुए हैं। हाँ, लेकिन इन इंसुलेटर के पास कुछ स्पेशल फीचर भी है, रबर भी है इसमें। तो चलिए, सबसे पहले अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच में मान लेते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट किया हुआ है हमेशा ऐसा, और इसमें हम कोई गैप ना रखें, ठीक है, गैप में कुछ ना रखें, एयर वगैरह कुछ, सॉरी, कोई मटेरियल नहीं रखें, सिर्फ एयर रहे, तो एयर रहे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और इसके डायरेक्शन की बात करें पॉजिटिव से नेगेटिव, फील्ड लाइन ऐसे एकदम बिना किसी ऑब्स्टेकल के पार करेंगे। अगर हम इसी में एक माइका दे देते हैं तब क्या होगा, ये डिस्कशन करना है हमें। प्लेट हमने ले लिया, प्लेट के बीच हमने एक माइका या ग्लास का स्लैब इंट्रोड्यूस कर लिया, और एक तीसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि आप एक माइका या ग्लास के स्लैब के बजाय कोई मेटलिक स्लैब ले लो। ओके, तब क्या क्या सिचुएशन होगा उसकी बात करें। आपको इंड्यूस चार्ज का एक्सप्रेशन बताया गया था, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू वन माइनस वन बाई के। ओके, इसके हिसाब से अगर हम एयर के की बात करें, ओके, तो एयर का के वन होता है और इंड्यूस चार्ज तब जीरो होगा एयर वाले केस में। इसमें
के की वैल्यू की बात करें डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट वो इन्फिनिटी होती है। ओके तो इन्फिनिटी वाला अगर हम केस करें तो क्यू डैस इज इक्वल टू माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेज हैं तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे होगा इसके सरफेस पे उतना नेगेटिव हो जाएगा, और इधर जितना नेगेटिव चार्ज होगा इस तरफ उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके तो फाइनली होगा क्या, इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोलराइजेशन के कारण डेवलप होगा जो फाइनली ज़ीरो कर देगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर नहीं दिखा पाएंगे हम लोग, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रेजेंस इनसाइड द कंडक्टर नहीं होगा, ये कंडक्टर वाला केस है। अगर हम बात करें ये एयर वाला केस और कंडक्टर वाला केस के बीच में, तो हमारे पास इन एग्जांपल्स की बात आती है जहाँ पर के का वैल्यू ओके वन से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होता है ना, वन से इन्फिनिटी के बीच में। जैसे माइका की बात करेंगे, माइका का 5.4, वाटर का 81, ग्लास का 4.5 ऐसा कुछ होता है। तो ये जो भी नंबर आपको मिल रहे हैं ठीक है ये इन्फिनिटी और वन के बीच में है। ऐसे केस में इंडक्शन से चार्ज तो होगा लेकिन क्यू डैश का वैल्यू जीरो से क्यू के बीच में होगा, और क्यू डैश का वैल्यू अगर जीरो से क्यू डैश के बीच में हो तो अब देखिए जो अंदर इंडक्शन हुआ इस प्लेट पे कम चार्जेज आएंगे इन कंपेरिजन टू आउटर चार्ज। ओके और यहाँ भी इंडक्शन के कारण ठीक है दूसरे सरफेस पे भी चार्जेज आएंगे तो लेकिन कम आएंगे। तो ऐसे केस में जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा वो ई नॉट माइनस ई पी ये बेसिकली जीरो के बराबर नहीं होगा, अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। यानी अब जब फील्ड लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो फील्ड लाइन में देखेंगे कि फील्ड लाइन कुछ तो पार नहीं हो रहा है और कुछ इससे अलाउ हो रहे हैं पार हो रहे हैं। ओके ये डिपेंड करेगा। तो कुछ बातें और भी क्लियर हैं कि जैसे जैसे आप देखिए के का वैल्यू बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो गया उसके थ्रू फील्ड लाइन पास नहीं किया, फील्ड लाइन उसमें नहीं प्रेजेंट रहा, और के का वैल्यू जब वन था तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन पास कर रहे थे। यानी के का वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ के का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा इंड्यूस चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा ठीक है। तो अब ये डिस्कशन हम लोग करते करते आगे बढ़ते हैं, ये बेसिकली आज का कंसर्न है। तो हम ना तो इसकी बात करने वाले हैं ओके और ना ही इस केस की बात करने वाले हैं ओके, हम बात बेसिकली इस तरह के मटेरियल की करने वाले हैं ओके। अब इस तरह के मटेरियल की जब बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास कोई भी सब्सटेंस की बात करें, हाँ मॉलिक्यूल से बनेगा, मॉलिक्यूल एटम से बनेंगे। तो अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल का कैटेगरी हमारे पास दो तरह का होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल है ना, केमिस्ट्री में बहुत फेमस टर्म है ये, और दूसरा जो है आपको वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल ओके। तो ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से डायलैक्ट्रिक्स दो तरह के बनेंगे है ना, एक तो आपका पोलर डायलैक्ट्रिक्स होगा और दूसरा नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स होगा ओके। तो सबसे पहले एक और चीज़ बताएंगे, क्लास 11th में एक क्वेश्चन था आपको सेंटर ऑफ मास वाले में, HCl मॉलिक्यूल और इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना था, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग फाइंड किए थे कहीं इस आसपास आया था। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर दो चार्ज बॉडी के सेंटर ऑफ मास हमने फाइंड किए, तो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल हो उसका सेंटर ऑफ मास तो होगा ही। तो अगर हम बात करें कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अपोजिट चार्जेज ठीक है, अपोजिट में एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है ना, डू नॉट कॉन्साइड, कॉन्साइड नहीं करता, ओवरलैप नहीं करता है, तो
इस केस में आप इसको पोलर बोलेंगे। और यही चीज़ अगर हम यहाँ लिखें सेंटर ऑफ मास ऑफ अपोजिट चार्जेज कॉन्साइड्स या ओवरलैप्स, तब आप इसको पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। ओके, अब अगर हम ऐसा ये कर लें कि एक नेगेटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, ओके, और इसके सेंटर्स अलग अलग हैं और इस तरह का डायग्राम बनता है, तो याद करें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो पोलर मॉलिक्यूल है। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा? ओके, इस केस में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा और इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या एग्जैक्टली ये ओवरलैप कर जाएगा? एग्जैक्टली तो ओवरलैप नहीं करेगा, कुछ ना कुछ गैप तो रहेगा, ठीक है। अगर हम इस तरह से देखिए, ये ओरिएंटेशन एक है आमने सामने, तो इधर से तो दिख रहा है कि ओवरलैप किया है, लेकिन इस ओरिएंटेशन में देखें तो थोड़ा गैप हो सकता है। तो अगर थोड़ा भी गैप है तो थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन वो डाइपोल मोमेंट नेग्लिजिबल अमाउंट का होगा जो इफेक्ट शो नहीं करेगा। ओके, तो हमारे पास ऐसा हुआ। अब पोलर मॉलिक्यूल को मिलाएंगे तो बनेगा क्या? पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, क्योंकि मॉलिक्यूल से ही सब्सटेंस बनता है, तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स बनेंगे। और देखिए इसमें क्या होगा, ओरिएंटेशन हम ऐसे रेंडम दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए रेंडम ओरिएंटेशन नहीं दिखाते। एक्चुअल में तो जो अरेंजमेंट हम दिखा रहे हैं वो अरेंजमेंट भी बहुत सही नहीं बोल सकते, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल हैं और वो किसी फैशन में किसी पैटर्न में अरेंज हो गए, ठीक है। ऐसे जनरल केसेस में ये अरेंजमेंट रेंडम होता है, इस बात पे ध्यान देंगे। बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे ये पैटर्न जो हैं एक रेगुलर और डायरेक्शनल हो जाते हैं, उसके पहले की बात हम लोग कर लेते हैं। तो हम यहाँ एक ऐसा पैटर्न दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये सभी कौन हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो इस तरह से सब्सटेंस के अंदर। अब देखिए क्या होगा जब इस तरह का अरेंजमेंट होगा, तो इन बिटवीन जब आप देखेंगे तो फिर से एक नेगेटिव पॉजिटिव का पेयरिंग बन रहा है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव जब एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेंगे तो ये न्यूट्रल रीजन बन जाएगा। और न्यूट्रल रीजन अगर ये बन गया तो आपको एक चीज़ साफ दिख रहा होगा कि चार्ज का जो इफेक्ट है केवल एंड पे ही है ना नज़र आएगा। अब इसको सॉलिड में हम दिखाना चाहें तो सॉलिड में कैसे दिखा सकते हैं ये भी देखने की कोशिश करते हैं। एक तो ऐसा ये हमारा जो पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरह का दिख सकता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब एक सरफेस आपको इधर वाला ये आपको दिखा कैसा हो गया है, तो पॉजिटिव। दूसरा सरफेस अगर हम लोग बात करें तो दूसरा सरफेस पे जो चार्ज का लेयर है वो नेगेटिव है, ओके, तो इस तरह का। अगर हम इसको फिर से इक्विवेलेंट फॉर्म में दिखाना चाहें तो इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर दिखाएंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा वो कुछ हद तक इस तरह का नज़र आएगा। इसको आप एक बार देख लें, यही हमको दिखेगा। यहाँ पर बीच वाला पार्ट न्यूट्रलाइज हो गया है तो वो पार्ट आपको शायद ना दिखे। तो इस लेयर पे नेगेटिव चार्जेज और इस लेयर पे पॉजिटिव चार्जेज होंगे। अभी यहाँ पर अगर बात करें, हमारे पास इस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव का
बहुत सारा कम्बिनेशन है तो क्या होगा, स्ट्रक्चर फाइनली हमको कैसा दिखेगा। तो ये कुछ शेप ये बन करके उभर करके सामने आएगा जो आप देखेंगे। और अगर इसको भी सब्सटेंस का शेप दे दिया जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको पैटर्न यहाँ पर दिखेगा। सो ओके, अभी इसको अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर फिर किसके इक्विवेलेंट, तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह का इक्विवेलेंट बन जाएगा। जो आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। ओके, अभी अगर आप ऐसा दिखाएंगे तो अब इसके लेयर पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन पोलर सब्सटेंस कुछ ऐसा दिखेगा, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक कुछ ऐसा दिखेगा। ये बातें हो गई। ओके, अब सवाल ये उठता है कि अगर हम नॉन पोलर है ना डायलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें, ठीक है, तो क्या होगा। तो ये टर्म आएगा इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। अब देखिए इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन क्या है। सबसे पहले मॉलिक्यूल के केस में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नोट से दिखाते हैं, और ऐसे केस में हम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला इसी का मॉलिक्यूल को ऐसा रखते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल अभी एज इट इज ऐसा रहेगा, लेकिन एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम प्लेस करें ई नोट इस डायरेक्शन में, तो इसी मॉलिक्यूल का इलोंगेशन होगा, और उसमें होगा क्या, पॉजिटिव चार्जेज इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ मूव करेंगे क्योंकि उस पर फोर्स उस तरफ लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो अपोजिट होगा और इलोंगेट होकर के ये पोलराइज हो जाएगा। दोनों पोल तो अलग अलग हो गए ना, तो इस तरह से पोलराइज हो गया और ये बन गया, क्या बन गया, तो एक पोलर मॉलिक्यूल। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी है ना पोलर बनाया जा सकता है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पोलर बनाया जा सकता है, ठीक उसी तरह से जैसे आपने उंगली माल डाकू वाली कहानी सुनी होगी। महात्मा बुद्ध के शरण में आने के बाद वो कहानी भी मालूम होगा, वो उंगली माल डाकू सुधर करके वाल्मीकि बन गए थे, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा कंडीशन आ सकता है, ठीक है, कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसको हमने ऐसा फील्ड जनरेट कर दिया, क्रिएट कर दिया कि वो पोलराइज्ड हो गया। फिजिक्स में भी ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। तो ये हो गया। अब इस घटना को आप इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन बोलेंगे। ये तो आपको मॉलिक्यूल स्तर पर मैंने दिखाया, और यही चीज अगर हमारे पास डायलेक्ट्रिक्स होता और उसके साथ कंडीशन होता तो ये जैसे इसमें ट्रांसफ़र हो गया, ये वाला इसमें ट्रांसफ़र हो जाता, ये वाला इसमें ट्रांसफ़र हो जाता, ठीक है। तो ये आप क्या बोलेंगे कि नॉन पोलर से पोलर बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। अब जब इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन की बात आती है तो एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो है इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइज तो हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में, प्रेजेंस में, ठीक है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में हुआ क्या, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एक फील्ड तो बाहर का है और एक फील्ड इसका अपना है, ठीक है,
अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से है। ये चार्ज के सतह लेयर जो आए हैं, बीच वाले को तो आप भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि तो न्यूट्रल हो चुके हैं। अब अंदर न्यूट्रल है ये मान के चलते हैं। तो अब ये जो दोनों सरफेस पे चार्ज हैं, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम ईपी या ईआई, आई फॉर इंड्यूस्ड, पी फॉर पोलराइजेस। अभी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई नॉट माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट है, ईपी या ईआई लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ई नोट की बात करें, ई नोट कितना होता है, तो ई नोट आपने देखा था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बाहर का फील्ड वाला। यहाँ पर क्या होगा, ये जो चार्ज है ना, ये इस पे डेवलप हुआ है। इस चार्ज को हम लोग क्यू पी बोल सकते हैं, इस चार्ज को भी क्यू पी बोल सकते हैं, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। कभी कभी इसको इंड्यूस्ड चार्ज भी बोल सकते हैं, क्यू आई, ठीक है, इसको भी आप क्यू आई बोल सकते हैं। और इसके सरफेस एरिया को आपने ए मान लिया, ओके, तो अगर हम क्यू पी बाय ए करेंगे तो ये सिग्मा पी के बराबर हो जाएगा, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। इसी को सिग्मा आई भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिग्मा पी बोलें या सिग्मा आई बोलें। ओके, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये हुआ है अभी के सिचुएशन में। और अब इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन वेक्टर, जैसा कि डेफिनेशन बोलता है, ये इक्वल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो भी कौन सा है, इंड्यूस्ड, इसके साथ लगाना होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। ओके, तो इसको डिनोट करते हैं पी से, अच्छा कैपिटल पी से, स्मॉल पी से तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को ही डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट कीजिएगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो वो कितना होगा, तो देखिए आपका चार्ज जो है क्यू पी है, और डिस्टेंस इसके बीच, दोनों के बीच का गैप अगर हमने डी ले लिया, ठीक है, तो चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया एक सरफेस का मिला और इंटू डिस्टेंस कर दें तो पूरे का वॉल्यूम मिल जाएगा। और अब ये आप अगर कैंसिल करेंगे डी को, तो सिग्मा पी बाय ए, जो कि सिग्मा आई या सिग्मा पी के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन वेक्टर आपको इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, आपको इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर है, ठीक है, उसी का यूनिट भी होगा, उसी का डायमेंशन भी होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन वेक्टर को हम एक और नाम देते हैं, सब नाम याद रखिए, ये आपका नाम है पोलराइजेशन डेंसिटी। अरे किसी भी चीज़ को जब हम लोग किससे, वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हम उसको डेंसिटी बोलते हैं। क्योंकि ये पोलराइज्ड हुआ है, तो पोलराइज्ड होगा तो डाइपोल मोमेंट बनेगा ही, और उस डाइपोल मोमेंट को आपने वॉल्यूम से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन डेंसिटी नाम लाजमी है। ओके, तो ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, अभी तक हमने पोलराइजेशन को भी समझ लिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो है उसको भी समझा जाए, सभी चीज़ों को आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि सभी अभी नई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें पहले डिस्कशन में नहीं आई थी। अभी एक नया टर्म, ब्रांड न्यू टर्म, सेप्टिबिलिटी की बात करेंगे, है ना, बिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अच्छा, सिंबल वाला कुछ मैटर है, वो आपको शुरू में हर बुक में मिल जाता है। ये एक्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ जब खींचते हैं ना, तो इसको पढ़ते हैं ऐसा हिंदी में, अब इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, हिंदी में हम लोग इसको काई, है ना, वो मिट्टी वाला काई प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, ये जो है इलेक्ट्रिकल भी होता है और मैग्नेटिक भी होता है, चूँकि यहाँ इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं
तो यहाँ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को ही काई से डिनोट कर लीजिए। अब काई से डिनोट करने के बाद से देखिए, ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो पोलराइजेशन वेक्टर पी है वो डिपेंड करता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ इनसाइड ए कंडक्टर, मतलब ई के। अब इसको अगर आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो पी इज इक्वल टू एक एप्सिलॉन नॉट और इनटू काई, ये दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू आपके पास ई हो गया। ओके, जहाँ पर यही काई जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है। तो एक रिलेशन हम लोगों को ये मिल गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। अब एक और रिलेशन है ना हम लोगों को लेना है, रिलेशन बिटवीन के, के कौन सा है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड दूसरा ससेप्टिबिलिटी है ना काई, ससेप्टिबिलिटी काई, थोड़ा सा ठीक से बनाइए इसको। ओके, अब देखिए क्या है कि आपने वहाँ जो लिख रखा है उसकी बात करेंगे। वहाँ पर आपने लिख के रखा है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ओके, अभी ठीक है ये तो ई नॉट हो गया, माइनस ई पी को क्या लिखेंगे, ई पी को सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, क्योंकि E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई पी इज इक्वल टू सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ से जब आगे बढ़ने की बात है तो ये तो ठीक है ई नॉट माइनस सिग्मा पी कितना, तो सिग्मा पी पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर। देखिए एक एक कड़ी जुड़ती जा रही है बारी बारी से, क्या कमाल होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ के बाद मैं इस जगह पे आता हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ के बाद चले तो हमारे पास E इज इक्वल टू जो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने के बराबर, तो ये आपको E नॉट माइनस पी, पी के जगह पर हम तो ये लिख सकते हैं टोटल, तो पी के जगह पर लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई, और ये एक और एप्सिलॉन नॉट, एक कैंसिल मारिए, और कैंसिल मारने के बाद से अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा क्या है कि हम ई प्लस काई ई इज इक्वल टू ई नॉट लिख सकते हैं। और अगर से यहाँ से ई को कॉमन ले लिया जाए, ठीक है ई को कॉमन ले लिया जाए तो वन प्लस ऐसा। अच्छा, कॉमन लेने के बाद से करेंगे क्या, इसको आप उधर ही लेके चले जाइए तो इधर आपका डिवाइड हो जाएगा। वेल, हाँ, अब ई नोट बाय ई फिर देखना है, ई नोट बाय ई मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज नथिंग बट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और अगर ये ऐसा है तो इस चीज़ को ला करके यहाँ पर पुट कर लीजिए, और पुट करेंगे तो इज इक्वल टू के लिख लेंगे, यानी आपके पास जो रिलेशन आया है ना वो क्या आ गया, वन प्लस जाई इज इक्वल टू के, ये रिलेशन याद रखेंगे। तो होप बहुत सारे नई चीज़ों का आंसर आपको मिला होगा, और यहाँ भी बहुत सारी टर्मोलॉजी थी जो ब्रांड न्यू थी, जिनको समझ लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब हब तक हमने जो सीखा, जो प्रश्न हमने उत्तर किए वो आपको दिख रहा होगा, लगभग हमको सभी प्रश्नों के उत्तर जो शुरुआत में चर्चा किए थे